जो लड़का आपकी माँ की इज्जत नहीं करता, आपके बड़े भाई की इज्जत नहीं करता, वो शादी के बाद तुम्हारी है, उसकी क्या इज्जत करेगा? लेकिन मास भाई की तो गलती नहीं थी ना। समीर आ रहा है, वो आ जाए फिर लगन हो जाए। अच्छा अब ये आ गई? आ गई और आते ही ऊपर चली गई अपने कमरे में मुंह भी सूर के। माज और उसकी मम्मी को देख के उसका मूड खराब हो गया। अच्छा मैं बात करके आती हूँ। मेहमान बैठे हैं घर में, चले जाएं, आराम से बात करेंगे उससे। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम चाय वाय देख लेना बेटे अच्छी तरह। भाभी ये तो अजीब सी बात है। क्या अजीब सी बात है? यही मास भाई शिकिला आंटी ने माजरत भी कर ली है लेकिन अभी अभी तक नाराज है, कमरे से निकल ही नहीं रही, ये क्या बात हुई? तो ठीक कर रही है वो, इसमें गलत क्या है? बेइज्जती हुई है उसकी। उसकी जगह अगर शायद मैं भी होती तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। लेकिन अब यह मास भाई को पसंद नहीं करती, मतलब चाहती थी ना उन्हें। देखो मिनाहिल, जो लड़का आपकी माँ की इज्जत नहीं करता, आपके बड़े भाई की इज्जत नहीं करता, वो शादी के बाद तुम्हारी है, उसकी क्या इज्जत करेगा? लेकिन मास भाई की तो गलती नहीं थी ना, शकीला आंटी की थी। तो फिर तो और भी क्लियर होगी ना बात। शादी के बाद क्या शकीला आंटी उसकी इज्जत करेंगी? और राबेल भी यही सोच रही होगी ना कि शादी के बाद जब वो उस घर में जाएगी तो शकीला आंटी उसका क्या हाल करेंगी। हाँ ये भी है। भाभी आप उम्मीद से हुरैन वाला मामला क्यों डिस्कस कर लेती? तुम छोड़ो उसको, उसके बारे में बात नहीं करनी। आप बात गोल करी है ना। मैं कोई बात गोल नहीं कर रही हूँ, मैं पहले समीर से डिस्कस करूंगी फिर अम्मी से डिस्कस करूंगी। जल्दी करो ना, कर लीजिएगा।